वेलकम टू सुमोना स्टेशन। मैं हूँ सुमोना। आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल एक स्विच बोर्ड पेंटिंग दिखाने जा रही हूँ। उसके लिए हमें चाहिए फेविक्रिल एक्रेलिक कलर। ये आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी या ऑनलाइन से भी आप परचेज कर सकते हैं। और इसका सिंगल बॉटल भी मिलता है पर पीस शायद 20 रुपीज़। मैं यहाँ पहले मेन ब्रांच, लिप्स और क्यूट सब बर्ड्स ड्रॉ कर ली हूँ पेंसिल से। और अभी मैं इसको कलर कर रही हूँ 0 नंबर की राउंड ब्रश से। हमें 0 नंबर की राउंड ब्रश से जितने भी छोटे छोटे वर्क है वो 0 नंबर की राउंड ब्रश से ही करना है। आप 1 नंबर की या 4 नंबर की राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं ये ब्रांचेस के अंदर जो गैप है ये फ्लैट ब्रश से मैं फिल कर रही हूँ। ये 2 नंबर की है। इसको आप बहुत प्यार से बनाइए, बहुत पेशेंस से बनाइए, बहुत ही अच्छा होगा। अभी मैं 0 नंबर के राउंड ब्रश से मैं लीफ की आउटलाइन कर रही हूँ। सारे लीफ्स आपको 0 नंबर के राउंड ब्रश से बना लेना है या आप 1 नंबर की राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, 4 नंबर की राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे। और एक ये लिप्स मैं फिल कर रही थी लेकिन मुझे बहुत टाइम लग रहा था तो बाद में मैंने सारे लिप्स का आउटलाइन ड्रॉ करके फिर फ्लैट ब्रश से फिल किया ऐसे। और बीच में से थोड़ा सा छोड़ना है ताकि एक नेचुरल लुक दिखे लिप्स का। इसको आप हल्के हाथ से कीजिए। आप देख सकते हैं मैं जो लिप्स ड्रॉ की हूँ पहले पेंसिल से वो एक छोटी एक बड़ी ऐसे है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगा कि ये पेंट करने का टाइम में मुझे लग रहा था ऐसे नहीं होना चाहिए वैसे होना चाहिए, तो मैंने उसको एडजस्ट किया। आप देख सकते हैं जो आउटलाइन है उसको छोड़ के मैंने कहीं दूसरे थोड़ा इधर उधर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे अक्सर होता ही है। जब भी पेंट करने जाते तभी मालूम चलता है कि हाँ ये परफेक्ट नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे आप भी कर लीजिए। अभी मैं छोटी सी क्यूट सी बर्ड बना रही हूँ। मैं जैसे पेंसिल से ड्रॉ की हूँ वैसे ही दिखा रही हूँ राउंड ब्रश से। ये बहुत इजी है बनाना, ऐसे ही करना है। इसके लिए मैं स्लो दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ध्यान रहे जब भी आप ब्रश से कलर लेंगे तभी आप ब्रश को अच्छे से वाइप कीजिए बॉटल के अंदर, नहीं तो वो ड्रॉप अगर एक्स्ट्रा ड्रॉप अगर दीवार में से थोड़ा सा भी गिरे तो पूरा दीवार ख़राब हो सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस से करना है। ये ऐसे देखिए पूरा फिल कर लेना है। फ्लैट ब्रश से बहुत ही आसानी से ये फिल हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है और ये बहुत आसान भी है बनाना। आप ज़रूर ट्राई कीजिए वॉल के ऊपर या स्विच बोर्ड के ऊपर। और अभी इसका विंग्स को ऐसे फिल कर लेना है। मैंने यहाँ 2 टाइप के विंग्स बनाए हूँ, अच्छे से देखिए 2 बर्ड्स ऐसे हैं और 2 बर्ड्स ऐसे हैं। आपको जो आसान लगे वो ही कीजिए आप। और ये पहले से मैं ड्रॉ करके नहीं रखी थी, मुझे लगा यहाँ पे केजेस बनाना चाहिए तो इसके लिए मैंने केज ड्रॉ कर रही हूँ। पेंसिल से आउटलाइन कर लीजिए अच्छे से। और मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने दिखाने की कोशिश की कैसे इजी बर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो इजी लगे आसान लगे वही बनाना। और केजेस का भी बहुत सारा वैरायटीज होता है, आपको जो भी इजी लगे वैसे बनाना। ये थोड़ी सी हाउस टाइप की है तो ये कोई भी बना सकते हैं। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि ये केज मैं पेंट करना दिखा नहीं पाई पूरा, क्योंकि मैं जब भी कलर कर रही थी तभी कैमरा ऑफ हो गया था और पेंट करने वक्त कैमरा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। इसके लिए जब भी मैंने देखा बाद में तभी केज कंप्लीट हो चुकी थी और केजेस के रूफ को मैंने रेड पेंट किया था। उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने ब्लैक कलर से पेंट किया। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे, हेल्पफुल हो आपके लिए तो एक लाइक ज़रूर करना। चेन को भी ऐसे डेकोरेट कर लीजिए।
और अभी मैं यहाँ एक लीड से सर्किल बना रही हूँ छोटी सी। कोई भी बॉल या बैंगल के हेल्प में से आप सर्किल बना लीजिए और उसके बाद इसको फिल कर लीजिए। बहुत आसान है सान बनाना। और इसके अंदर आप थोड़ा सा येलो शेड भी दे सकते हैं और खूबसूरत दिखेगा ये सान। सान के अंदर मैं फ्लैट ब्रश से ही मैंने फिलअप किया और उसके बाद अभी ये राउंड ब्रश से आपको ऐसे साइड में सान के बाहर ऐसे कर लेना है। ऐसे देखिए, ऐसे कुछ इस तरह की लुक आएगा करने के बाद। और अभी मैं लास्ट फिनिशिंग कर रही थी, जहाँ जहाँ मेरा छूट गया था ये सारी चीज़ मैं कर रही थी लास्ट में ऐसे। तो आप भी एक बार देख लीजिए, कहीं छूट गई तो वो कर लीजिए। और यहाँ पे मुझे लग रहा था एक लीफ होना चाहिए तो मैं बना लिया, और लीफ के बाद ये छोटी सी क्यूट सी एक बर्ड भी मैं ड्रॉ की हूँ, ये देखिए ऐसे। एंड दिस इज आफ्टर कंप्लीट हाउ इट लुक्स नाउ। Thank you so much for watching this video. Please like, comment, and don't forget to subscribe my channel. Bye. Take care. See you soon.